राइट्स, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि अपने राइट्स को जानिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन कैसा हो कि कुछ राइट्स के बारे में हमें पता ही ना हो? बस ऐसे ही कुछ राइट्स के ऊपर है आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। भारत में रहने वाली आधी से ज्यादा जनता को ये पता ही नहीं होता कि उनके पास कितने सारे राइट्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आपको पता है कि कंपनी किसी प्रेग्नेंट लेडी को कभी फायर नहीं कर सकती, या फिर क्या आप ये जानते हैं कि किसी एलपीजी एक्सप्लोजन में यदि आपका घर तबाह हो जाता है तो आप उस लॉस को क्लेम कर सकते हैं, वो भी 40 लाख रुपए तक। ऐसे ही बहुत से राइट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ राइट्स, जिसमें सबसे पहला राइट है राइट टू इंटरनेट। जी हाँ, राइट टू इंटरनेट जैसा भी हमारे पास एक राइट होता है, क्योंकि इंटरनेट इस समय सभी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसकी वजह से इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी सभी के पास होना जरूरी हो जाता है। क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट राइट्स भी हम तभी उठा पाएंगे यदि हमारे पास इंटरनेट होगा। इसीलिए 19 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को कंसिडर किया और इसी के साथ केरला सबसे पहला स्टेट बना जहां इस राइट को एक बेसिक ह्यूमन राइट की तरह चलाया गया था। यानी ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि इंटरनेट जैसी सुविधा सभी के पास पहुंचे। लेकिन इंटरनेट कुछ खास कारण की वजह से शट डाउन भी किया जा सकता है, जैसे किसी भी इलीगली एग्जामिनेशन चीटिंग के चलते, पीस के चलते, या फिर किसी नेशनल इशू के चलते भी इंटरनेट डाउन किया जा सकता है। दूसरा राइट है राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय देयर चिल्ड्रन। अगर आपका बच्चा आपकी देखभाल करने से आपको मना कर देता है, या फिर आपको आपके घर से निकालता है, या आपकी बात नहीं मानता, तो ऐसे सिचुएशन में आप उन्हें मना कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका राइट है। जी हाँ, ये हर बच्चे की मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने माँ बाप को फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, फिर चाहे वो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हों, अडॉप्टिव पेरेंट्स हों, स्टेप फादर हों, स्टेप मदर हों, कोई भी हो। इसीलिए सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के चलते पेरेंट्स के पास सपोर्ट प्रोवाइड करने और मेंटेनेंस क्लेम करने के अधिकार होते हैं। अगर इन राइट्स को वॉयलेट किया जाता है तो ऐसे में पेरेंट्स पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। इसी के साथ तीसरा राइट है राइट टू क्लेम अ रिफंड। जब कभी हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं और हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती तो हम उसे रिफंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये रिफंड क्लेम नहीं हो पाता, तो फिर ऐसे में आप क्या करते हैं? अब क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदा होता है तो हम किसी का गला भी नहीं पकड़ सकते, तो फिर क्या करें? ऐसे में राइट टू क्लेम रिफंड की मदद ले सकते हैं। इसके चलते आप खरीदे हुए गुड्स और सर्विसेज पर रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मुताबिक हर कंज्यूमर के पास यह अधिकार होता है कि वो अपने कंप्लीट रिफंड के लिए मांग कर सकते हैं अगर वो उस प्रोडक्ट से खुश नहीं है तो। इसी के साथ चौथा राइट है राइट टू हेल्थ। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू हेल्थ को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसे सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 से प्रोटेक्ट जरूर किया गया है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राइट टू हेल्थ को एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट कंसिडर किया है। इस राइट टू हेल्थ में और भी 3 चीजें इंक्लूडेड होती है, जैसे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल वेलबींग। क्या आप जानते हैं इंडिया में राजस्थान सबसे पहला स्टेट है जहां पर फ्री में सिटीजंस को ये हेल्थ राइट्स दिए जाते हैं, यानी राइट टू फ्री ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट विदाउट एनी प्रीपेमेंट। इसी के साथ पांचवा राइट है राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी भी एक काफी इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि हम सभी डिजिटली काफी एडवांस हो चुके हैं। हमें जरूरत है हमारे प्राइवेट डेटा को सिक्योर करने की, और वो कैसे होगा? वो होगा राइट टू प्राइवेसी से। डिजिटली ही नहीं, हम काफी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच छोड़ देते हैं, जैसे बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में और अपने सोशल मीडिया पे। अब इस इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा ना उठाए या इसका मिसयूज ना करे, इसीलिए जरूरी है राइट टू प्राइवेसी। हालांकि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसे भी आर्टिकल 21 के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये थे कुछ अंडररेटेड राइट्स जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। अगर आपको ये राइट्स पता नहीं थे तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।